हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है, जो कि हम दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस के लिए चला रहे हैं। और भी किसी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो उसके लिए भी इसे ले सकते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में ज्योतिबा फुले ने सत्यबोधक समाज का गठन किया था? तो सत्यबोधक समाज का गठन ज्योतिबा फुले ने कब किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है 1773, दूसरा ऑप्शन है 1853, तीसरा ऑप्शन है 1873, चौथा ऑप्शन है 1883। तो इसका सही आंसर होगा 1873। 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यबोधक समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है अग्नेय चट्टान में, दूसरा ऑप्शन है अपसादी चट्टानों में, तीसरा ऑप्शन है रूपांतरित चट्टानों में, और चौथा ऑप्शन है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा अपसादी चट्टानों में। अपसादी चट्टानों में पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, मतलब जो पेट्रोलियम है वो एक जीवाश्म ईंधन है जो कि अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो पहला ऑप्शन है हमारा राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कोशिका में क्रोमोजोम डीएनए और से मिला मिलकर बने होते हैं। तो पहला ऑप्शन है फॉस्फोरस, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है चीनी, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। जो कोशिका में क्रोमोजोम होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट में, तीसरा ऑप्शन है साइटोजाइम में, और चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियस में। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा के सीमेंट के जमने की दर को कौन घटाता है? सीमेंट की जमने की दर को कौन घटाता है? तो पहला ऑप्शन हमारा एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है सिरका, तीसरा ऑप्शन है जिप्सम, चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा जिप्सम। जिप्सम सीमेंट के जमने की दर को घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलिंकस पहले के रूप में जाने जाते थे, अलिंकस पहले के रूप में जाने जाते थे। तो पहला ऑप्शन है पैराफिन्स, दूसरा ऑप्शन है टिटोफिन, और चौथा ऑप्शन है ओलोफिन्स, और चौथा ऑप्शन है मोलोफिन्स। तो इसका सही आंसर होगा ओलोफिन्स। जो अलिंक्स हैं उन्हें पहले ओलोफिन्स के नाम से जाना जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर के कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करने को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका पहला ऑप्शन है कमांड लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है मार्कअप लैंग्वेज, चौथा ऑप्शन है स्टाइल शीट लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर होगा कमांड लैंग्वेज। कमांड लैंग्वेज के द्वारा हम कंप्यूटर में प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो चौथा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मुंडा का लोक नृत्य है, मतलब मुंडा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो
ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। तो सही आंसर है इसका झारखंड। झारखंड की मुंडा जाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। झारखंड की मुंडा जनजाति द्वारा यह लोक नृत्य किया जाता है। मुंडा एक जनजाति है जिसको मतलब मुंडा नृत्य वहाँ की झारखंड की एक जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं। तो पहला ऑप्शन है पोटा, दूसरा ऑप्शन है टाडा और तीसरा ऑप्शन है मीसा और चौथा ऑप्शन है कोफे पोसा। तो इसका सही आंसर होगा कोफे पोसा। या विदेशी विनिमय संरक्षण और तस्करी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम संसद का एक अधिनियम है। जो कोफे पोसा है तो वो एक अधिनियम है जिससे कि आर्थिक अपराधों जैसे तस्करी निपटने हेतु 1974 में पारित किया गया था। जो कोफे फेफा है वो आर्थिक मतलब जो तस्करी वगैरह है उसको रोकथाम करने के लिए 1974 में इसे पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि समष्टि अर्थशास्त्र इससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन हमारा आय का वृत्ताकार प्रवाह, दूसरा ऑप्शन है मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना, तीसरा ऑप्शन है फर्म के स्तर पर संसाधनों का आवंटन करना, चौथा ऑप्शन है संतुलन कीमतें और मात्राएं। तो इसका सही आंसर होगा आय का वृत्ताकार प्रवाह समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ओजन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है। जो ओजन परत है वायुमंडल की किस परत में होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है लिथोस्फीयर, दूसरा ऑप्शन है आयनोस्फीयर, तीसरा ऑप्शन है स्टेटोस्फीयर, चौथा ऑप्शन है बायोस्फीयर। तो इसका सही आंसर होगा स्टेटोस्फीयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें के रूप में जाने जाते हैं। तो जो जीव प्रकाश का उपयोग करके भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है स्वपोषी, दूसरा ऑप्शन है विषम पोषिज और तीसरा ऑप्शन है सर्वाहारी और चौथा ऑप्शन है विघटन करने वाला। तो इसका सही आंसर होगा स्वपोषी। अब स्वपोषी कहते किसे हैं। स्वपोषी वो जीव हैं जो प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य रसायनों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं। इन्हें हम उत्पादक भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसका कॉमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसका कॉमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है कच्चा तेल, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है मुद्रा और चौथा ऑप्शन है सोना। तो सही आंसर होगा मुद्रा। मुद्रा का कॉमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि कॉमोडिटी बाजार किसे कहते हैं। कॉमोडिटी बाजार एक ऐसा बाजार है जो तैयार उत्पादों के बजाय प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र में व्यापार करता है। मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र के जो कच्चा माल होता है वो उसमें अपना व्यापार करता है। जैसे कि तुम्हारा गेहूं हो गया, कच्चा तेल हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये इनका व्यापार कॉमोडिटी बाजार में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। जो पणजी है वो किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लखनऊ की राजधानी है। मतलब लखनऊ किसकी राजधानी है। तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड,
दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय का पुनरुत्थान किया था। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्र का पुनरुत्थान किया था। तो पहला ऑप्शन है नौसेना, दूसरा ऑप्शन है थल सेना, तीसरा ऑप्शन है सुरक्षा, चौथा ऑप्शन है वायुसेना। तो सही आंसर है इसका थल सेना। स्वतंत्रता आंदोलन के समय सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय थल सेना का पुनरुत्थान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब का पुत्र था। तो पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां औरंगजेब का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड वाइड वेब का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो पहला ऑप्शन है बर्बर द्वारा, दूसरा ऑप्शन है टिम बंस ली द्वारा, चौथा ऑप्शन है एलन ब्लू मिलिनी द्वारा और चौथा ऑप्शन है डेविड व्यूस्टर द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, टिम बंस ली द्वारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सैन्यता के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो पहला ऑप्शन है हमारे गैसों की सैन्यता द्रवों से कम होती है, दूसरा ऑप्शन है कि तापमान में वृद्धि के साथ गैसों में सैन्यता बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन है तापमान में वृद्धि के साथ द्रवों में सैन्यता घटती है और चौथा ऑप्शन है दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों में सैन्यता घटती है। तो इसका सही आंसर होगा दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों में सैन्यता घटती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण है। तो पहला ऑप्शन है सड़क, दूसरा ऑप्शन है पर्वत, तीसरा ऑप्शन है समुद्र, चौथा ऑप्शन है जंगल। तो इसका सही आंसर होगा सड़क। सड़क है वो मानव निर्मित पर्यावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत निर्माण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो पहला ऑप्शन है 2003, दूसरा ऑप्शन है 2005, तीसरा ऑप्शन है 2007, चौथा ऑप्शन है 2009। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन टू, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सेफ्टी लैप का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा हम्फ्री डेवी पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है थॉमस एडिसन, और तीसरा ऑप्शन है कि आर्किमिडीज, और चौथा ऑप्शन है जॉन डाल्टन। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, दूसरा ऑप्शन है ईडन गार्डन कोलकाता, और तीसरा ऑप्शन है पंडर्स जोन्सवर्क, चौथा ऑप्शन है द लॉर्ड्स लंडन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, द लॉर्ड्स लंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको आज का स्कोर बताना है, आपका 25 में से कितने क्वेश्चन सही थे, आपको स्कोर बताना है कितने क्वेश्चन सही थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।